हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज की ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने घर की छत से कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर का नज़ारा कैसा है यहाँ का, मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे साथ मेरा बेटा भी आया है छत पर, वो अपनी गाड़ी चला रहा है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तरह तरह के फूल गमले आपको दिखाई देंगे, दे सकते हैं। मिर्ची भी यहाँ पर है जिसमें फूल भी आए हुए हैं। काफ़ी मिर्ची हम इसमें से खा चुके हैं। और यह दे सकते हैं हमारे गमले। आजकल बरसात के उससे पेड़ ज़रा वो हो गए हैं, नहीं तो हरियाली हमेशा हमारे छत में देखने को मिलती है। और जाड़ों में धनिया मूली यह सब हम गमले में ही मेरी सासू माँ बोती हैं। यह देखिए हमारे घर के सामने पर रोड है और ये देख सकते हैं ये हमारे घर चारों ओर की घर, हमारे आस पड़ोस का वातावरण, यहाँ के लोगों के घर आप देख सकते हैं। ऊँची ऊँची बिल्डिंगें यहाँ पे सभी की दिखाई दे रही हैं। मैं अभी यहाँ पर कपड़े डालने आई हूँ। सो दोस्तों, अब मैं डालती हूँ कपड़े, फिर मैं नीचे को जाके नीचे का हाल आपको बताती हूँ। बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों नीचे आके अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। अब हमारे बन चुके हैं चाट, दिखाती हूँ आपको। चाट बना रखी है आज हमने नाश्ते में, और मूली की भुजिया। रोटी खाने वाले रोटी खाएँगे, चाट खाने वाले चाट खाएँगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना मंदिर। मंदिर देख सकते हैं हमारा मंदिर, यहाँ पर देवरानी कर रही है पूजा। तो मेरा छोटा बेटा थोड़ी पढ़ाई करते हुए, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत बैठा है अभी होमवर्क करते हुए। हेलो, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बिट्टू, गुड मॉर्निंग। आप क्या कर रहे हो? आप नहीं कर रहे पढ़ाई, आप खेल रहे हो? अच्छा ठीक। तब ना कि आप बाहर थोड़ी हवा खाने आ गए हैं, नाश्ता तो फिर खाएंगे। गर्मी बहुत हो रही है। बेटा मेरा साइकिल चला रहा है, देख सकते हैं मनी प्लांट। तो हम आ चुके हैं फिर से छत में, क्योंकि आज हमने धोने हैं गेहूँ, क्योंकि धूप आई हुई है तो गेहूँ धोने हैं, इसलिए आए हैं छत में। सुबह के सारे काम निपट चुके हैं अंदर के, अब हम छत में काम करते हैं। गेहूँ निकाल दिए हैं आज, और अब हमारे गेहूँ आधे धुल भी चुके हैं, देख सकते हैं। और अभी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि देख सकते हैं मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ कैसे काम में लगा हुआ है। काफ़ी मात्रा में हमने गेहूँ धो भी दिए हैं, ये देखिए। ये अब थोड़ी ही गेहूँ और धोने बचे हैं, जिनको धो के फिर हम नीचे को जाते हैं। ठीक है। हेलो नानू, मजा आ रहा है? हाँ। देखिए कैसे हो, मेरे धोने के लिए गेहूँ बाल्टी में भर रहा है। अभी गर्मी होते के कारण मैं थोड़ी छाया में आई हूँ। Thank you.
हेलो दोस्तों, मेरा बन गया है मोमो का मसाला, देख सकते हैं आप। ये बहुत ही हेल्थी है इसमें, क्योंकि सारी सब्जियां हम डालते हैं, क्योंकि घर पर बनाने का यही हमारा वो है कि बच्चों को सब्जियां जितनी ज़्यादा खिला सकें, तो इसलिए वैसे बच्चे इस खाने में ये चीज़ें खाने में इसमें हम सब चीज़ें डाल देते हैं कि जो बच्चे ना भी खाएँ वो भी इसमें खा लेते हैं मोमो के बहाने, तो इसलिए बहुत ही हेल्थी ये खाली। अगर इसको रोटी के साथ भी खाएं तो ये बहुत ही हेल्थी बनता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप मोमो के साथ ही इसे बनाएं, इसे खाली वैसे भी बनाएं सारी सब्जियां होकर के, तो काफ़ी हेल्थी एक टिफिन में रखने के लिए एक अलग से वो बन जाता है। देख सकते हैं आप, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह है मेरी चटनी जो बन चुकी है, देवरन ने बना दी है, ये भी बहुत ही लाजवाब बनी हुई है। वैसे हम हरी चटनी भी बनाते हैं लेकिन आज नहीं बना रहे, आज खाली एक ही चटनी बनेगी, तो देखते हैं खाने में कैसी होती है, वो टेस्ट करने के बाद ही आपको बताएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो देख सकते हो दोस्तों, हम वो बनने शुरू हो चुके हैं। मान जी आज कितने बना लोगे? माँ जी कितने खाने हैं आपको? मैं ज़्यादा ही खाऊंगा। हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों कैसे मोमो शेप की जाती है। हम लोग दो शेप से बना सकते हैं, एक तो ये और एक ये, और कैसे बने मोमो बता सकते हैं आप लोग? ये वाली शेप चाची ने बना रखी है और ये वाली शेप मम्मी ने बना। फ्रेंड्स, मम्मी और चाची ने मिलके बना दिया हमारे मोमो, और ये देख सकते हो मोमो ये फ्राई हो रहे हैं अभी, और स्टीम। अभी स्टीम मतलब बात वही है, और देखिए अभी और लगातार बनने में है मोमो, और ये कुछ सौ बन के रेडी भी हो चुकी है देखिए। सो फ्रेंड्स, अब कैसे लगे आपको ये मोमोस, या कैसे बन लगे हैं, कैसे बना रहे हैं सब देखें। फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमारे मम्मी और चाची ने मिलके बना दिया मोमो, और कुछ मोमो अभी फ्राई होने के लिए रख रखे हैं, और कुछ बन चुके हैं स्टीम होने के लिए, और अभी कुछ मोमो बन रहे हैं, और अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि हम लोग मोमो बनाकर अब खाने बैठ ही चुके हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूँ मोमो ऐसे बनते हैं, पहले बेला, उसमें मसाला भरा, और फिर उसके बाद साइड साइड से बंद करते हुए उसे अच्छी तरह बीच से बंद करके, और फिर एक प्रेस करके कैसे से हम दोस्तों देख सकते हैं। अभी हम मम्मी लोगों ने बना दिए मोमो और हम लोग खाएंगे। गर्मा गर्म बोल और ये अलग से स्प्राइट। सो दोस्तों, पूरे दिन के काम के बाद अब मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे पे, और अब मैं सुबह के लिए भी कब तैयारी करती हूँ, बैग पैक करती हूँ, क्योंकि सुबह हमने निकलना होता है जल्दी, क्योंकि 6 बजे मेरे बेटे का स्कूल है, तो सुबह हमको उससे पहले हल्द्वानी पहुँचना है, तो इसलिए मैं ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, शुभरात्रि। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ, धन्यवाद।